आज हमने पढ़ाई करनी है HTML की, सही है ना? अच्छा, हमारा ये कोर्स चैटबॉट का है, तो इसमें हम HTML को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ एक क्लास में पूरी की पूरी HTML को कवर करेंगे। एक ओवरव्यू हमने लेना है, ठीक है ना? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो चैटबॉट लगेगा वो एक वेबसाइट के ऊपर लगेगा ना, तो आपको एक वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए कि वो बनती कैसे है और क्या चक्कर है उसका। अच्छा, तो HTML जी मिश्री नहीं है। अच्छा, अभी शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, कौन मुझे बताएगा आप में से? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं पहले से, और बहुत अच्छी बात है ये, आई अप्रिशिएट। तो आप में से कोई मुझे बताए कि जी HTML का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ज़बरदस्त। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन बाई मार्कअप लैंग्वेज? चलो, सिर्फ मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में? मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं जी? हाईलाइट करने को मार्कअप कहते हैं। अच्छा जी, और कोई बताया आप में से? जी सर, मार्क करने को मार्कअप कहते हैं। जैसे हम सिंपली अपनी ज़बान में मार्क करते हैं ना, हाँ, कोई टेक्स्ट हम मार्कर से करते हैं तो उसको मार्कअप। मार्कर से जो भी काम करते हैं वो सारा मार्कअप है, सही है। बहुत अच्छा बताया आपने, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बाय द वे ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है। जब भी मैं आपसे कोई सवाल करूँ ना इस तरह क्लास में, तो वो क्वेश्चन क्या होता है? वो ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही जवाब देना है। ये मैं सवाल इस वजह से पूछता हूँ कि आपके अंदर कोई अगर अच्छा जीनियस, जैसे अभी देखे ना आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो मुझे पता लग गया माशाल्लाह आप अच्छे लोग बैठे हैं। तो मुझे ताकि पता चल जाए कि अगर कोई जीनियस बच्चा बैठा हुआ है ना क्लास में, तो वो खुल के सामने आए, है ना, ताकि उसकी इंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि वो तो बोर होता रहेगा क्लास में, तो उसको बुला के मैं यहाँ बिठाऊँगा, उसको बुला के यहाँ बिठाऊँगा, वो आपको पढ़ाएगा फिर, है ना? नहीं बताएगा सर। अच्छा, तो उसकी इंटरटेनमेंट का कोई बंदोबस्त किया जाएगा, है ना? उसको आपके सरों पे शायद मैं मुसल्लत करूँ समहाउ। तो वेल, तो अगर कोई इस क्लास में जीनियस बच्चा बैठा हो, उसकी हमें ज़रूरत है। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें। आपको जो आता है आप दें, क्योंकि अगर सही जवाब आपको पता होता तो आप यहाँ क्यों आते, है ना? सही जवाब आपको पता होता तो आप यहाँ नहीं आते। अच्छा, फिर मुझे जो बातें पता है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब आपका सारा जवाब आ जाएगा। तो वेल, तो जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में मार्कअप जो है ना, मार्कर से जो भी हम काम करते हैं ना, जर्नल बनाते हैं, जो नाइन क्लास में बनाया होगा आपने, तो जर्नल में जी, अच्छा जी, मार्कर से हेडिंग डाली है, उसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया, अच्छा, फिर वो नीचे ब्लैक वाले से ज़रा कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी ब्लैक वाले पेन से, अच्छा, फिर उसके नीचे एक डायग्राम बना दी, उसमें ज़रा लेबलिंग कर दी ब्लू कलर से इस तरह, अच्छा, फिर उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स नीचे बना दिया आपने, इसी तरह बनता है जर्नल में, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे काम जो हैं ये क्या कहलाते हैं? मार्कअप्स कहलाते हैं, ठीक है? ये सारे मैंने मार्कर से जो भी काम किए सारा मार्कअप था। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? कि कंप्यूटर को ये मार्कअप जो है ना, जो मैं जर्नल में बनाता हूँ, ये तो मैं हाथ से मार्कर से बना लेता हूँ, अच्छा, ये काम मैंने कंप्यूटर को बताना है कि जी ऐसा, जैसे पंफलेट होता है ना, एक पंफलेट होता है जी, ये फ्रिज की एक दुकान है, उसका वो एक, या रेस्टोरेंट का मेन्यू है, उसका एक पंफलेट है, उस पर जी लिखा हुआ है कि जी ये कितने की क्या चीज़ है। तो वो पंफलेट मैंने तो, अगर मुझे हाथ से बनाना है मार्कर से, तो वो तो मैं बना दूंगा ऐसे, अच्छा, बट मैंने वो चीज़ कंप्यूटर को समझानी है कि यार इस तरह से बनाना है आपने, अच्छा, तो उसके लिए जो है ना, कंप्यूटर को सिखाने के लिए उसकी लैंग्वेज होती है, तो मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट क्या है फिर? मार्कअप लैंग्वेज तो समझ आ गया, हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाँ जी, ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल। हाँ जी, हाइपर का मतलब तो होता है गुस्से में। क्या टेक्स्ट गुस्से में है? बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड जो टेक्स्ट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। और जी, और बताएं कुछ जी। टेक्स्ट जो एक्शन परफॉर्म करे, करीब करीब बात की है आपने काफ़ी। हाँ जी, और आप में से कोई, आप भी बता सकते हैं, आप सब लोग भी क्लास का पार्ट हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें, हाइपर टेक्स्ट क्या है कि जी, एक तो मैंने पंफलेट बनाया ना हाथ से मार्कर से बनाया, अच्छा, उसमें मैं टेक्स्ट को जब ऐसे ऐसे करूँगा, जब टच करूँगा जब, तो वो टेक्स्ट कुछ करेगा तो नहीं, जवाब तो नहीं देगा कुछ, रिस्पॉन्ड। हाइपर टेक्स्ट के अंदर ये है कि टेक्स्ट को जब मैं टच करूँ ना तो कुछ करे वो, जो दोस्त ने कहा कि कुछ एक्शन हो, टेक्स्ट को क्लिक करने से या तो मुझे दूसरे पेज पर ले जाए, या तो कोई पिक्चर ओपन हो जाए, या तो कुछ एनिमेशन हो जाए, कुछ कुछ ना कुछ हो उसको, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ ना मैं ऐसे ही हूँ, तो कुछ ना कुछ हो,
सो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट. ठीक है, तो एच टी एम एल से जो मार्कअप तैयार होगा, जो पम्फलेट तैयार होगा, इसके ऊपर जब मैं इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है मैं टेक्स्ट को टच करूँ तो कुछ हो, है ना, हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट एक ही बात है, तो कुछ हो. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन ये कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ ये काम ना एच टी एम एल के अंदर. अच्छा, तो जी एच टी एम एल तो समझ आ गया. अच्छा, एच टी एम एल के ऊपर वेबसाइट बनती है, ये भी समझ आ गया. वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो एच टी एम एल इस्तेमाल होती है, ये भी समझ आ गया. अच्छा, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम. वेबसाइट किस पे चलती है? इंटरनेट के ऊपर. कौन मुझे आप में से ये बताएगा कि इंटरनेट का क्या मतलब है? व्हाट इज इंटरनेट? ग्लोबल विलेज, कनेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स. काफ़ी करीब करीब बताया जी दोस्त. और भाई कोई? नेट जाल को बोलते हैं और इंटर आपस में कनेक्टेड, यानी आपस में कनेक्टेड जाल. क्या बात है यार, ज़बरदस्त. जी सर, आप में से कोई? पीछे वाले भी लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं. ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं आई. मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है उसको इंटरनेट कहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तुम. अच्छा, सही बताया सब लोगों ने. अच्छा, मैं बता देता हूँ क्या है इंटरनेट. जो है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है. इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है इंटरनेट. इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है? जैसे मिसाल के तौर पर चार कंप्यूटर, अभी हम छोटे स्केल पे करते थे ना, छोटे स्केल पे ले आते हैं. चार कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4 नाम है, चारों का नाम रख दिया. अच्छा, तो 1 जो है वो 2 से भी कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है और 4 से भी कनेक्ट है. अच्छा, फिर इसी तरह 2 जो है वो 1 से भी कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है, 4 से भी कनेक्ट है. जैसे वो बच्चे एक रिडल करते हैं ना सवाल के, जी 10 लोग हैं, अब सब लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने हैंडशेक हुए? तो ये वो वाला चक्कर है ना, कि चार कंप्यूटर हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो कोई भी किसी से भी बात कर सकता है किसी भी वक्त. अच्छा, मिसाल के तौर पर इस कमरे के अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं अगर, और 100 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, अगर मैं इन 100 के 100 कंप्यूटर को आपस में क्या कर दूँ, तारों के ज़रिए कनेक्ट कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा? इंटरनेट तैयार हो जाएगा, छोटे स्केल का. ठीक है, छोटे स्केल का इंटरनेट होगा ये. सही, इसका एक नाम भी होता है बाय द वे, इंट्रानेट, लेकिन उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है अभी. वेल, तो छोटे स्केल का इंटरनेट मेरे पास तैयार हो जाएगा यहाँ. अच्छा, तो इस इंटरनेट के ऊपर कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है. अच्छा, अगर इंटरकनेक्टेड होगा ना, तो उसकी ज़रा शक्ल कैसी बनेगी वो दिखा देता हूँ मैं. कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी ना, अगर तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगी, है ना. तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का जो जाल है, उस पूरे जाल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम? इंटरनेट कहते हैं. ठीक है, ये आप लिखेंगे ना तो इस तरह की अक्सर आपने फोटोज़ देखी होंगी, उसमें देखें इसी तरह बनाया हुआ होता है. ये देखें, इसमें एक जो गोल है ना, एक मोती जो है, ये एक कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली ना, तो सारे आपस में कनेक्ट हुए हैं. ठीक है, ये आप समझ लें इसको, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तीसरी कंट्री है, और ये दरमियान में समुद्रों से ये सबमरीन की तार गई हुई है. एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है. आपको पता ना, ग्राफिक्स जो भी बनती है वो रियल चीज़ों की इंस्पिरेशन से बनती है. तो ये हो गया जी. और भी अगर मुझे कोई अच्छी सी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन मिल जाए. हाँ, ये देखें ना, इन्होंने भी इस तरह करके रिप्रेजेंट किया हुआ है. अच्छा, और भी अगर कोई मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे इस वक्त अच्छी रिप्रेजेंटेशन. हाँ, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप. तो इस तरह का कुछ जाल बन जाएगा जब सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. अच्छा, तो ये हो गया हमारा इंटरनेट. अच्छा, शुरू शुरू में जब इंटरनेट बनाया गया था ना, तो असल में तो मिलिट्री यूज़ के लिए बनाया गया था, और उसमें वेबसाइट वगैरह नहीं होती थी ना इंटरनेट में. तो जी अब क्या होता था, जी मेरे पास 200 कंप्यूटर हैं, आपस में वो सारे कनेक्ट हो गया, तो अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ना मैसेज भेजा जाता था. अच्छा, और वो मैसेज टर्मिनल के ज़रिए भेजते थे, है ना, जैसे टर्मिनल आप लोगों ने यूज़ किया ना गिटहब भी पढ़ते हुए, तो वो टर्मिनल के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज भेजते थे. अच्छा, फिर क्या हुआ कि जिन लोगों ने, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने सोचा यार इसको ज़रा कमर्शियल भी कर देते हैं, हम ना पैसे वैसे कमाते हैं. तो इन्होंने जाके जो बिजनेसेस थे, जैसे फ्रिज बेचने वाला, टीवी बेचने वाला बिजनेस है, अच्छा उसने एक बनाया हुआ पम्फलेट,
जैसे इम्तियाज़ वाले हैं ना, उन्होंने भी एक पम्फलेट बनाया हुआ ये चीज़। अच्छा फ्रिज टीवी का उसने रेट वगैरह लिख के ना, सारा मॉडल लिख के एक पम्फलेट तैयार किया हुआ है। अच्छा अब क्या हुआ जी, ये एक पम्फलेट उसने कस्टमर को दिया, वो घर ले गया। अब घर जाने के बाद पीछे क्या हुआ, फ्रिज का रेट चेंज हो गया। अब लेकिन वो तो कागज़ के ऊपर वही लिखा हुआ है पुराना, या मिसाल के तौर पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कागज़ पर कोई, वो चेंज हो गया। लेकिन जो कस्टमर जो ले गया अपने साथ घर, उस पर थोड़ी चेंज होगा, वो तो कागज़ प्रिंट है, वो तो फिक्स है वो तो। अच्छा तो उनको ये बोला है इन्होंने कि यार आपको ना, अगर हम ऐसा कर दें कि इसी पम्फलेट का एक डिजिटल वर्जन आपको बना दें अगर, जो क्या हो जब आप चाहें चेंज हो जाए, तो कैसा रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा और क्या रहेगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। तो उस वक्त ये वेबसाइट फिर बनना शुरू हो गई। अच्छा वेबसाइट, हमारे एक टीचर थे कहते थे कि जी सारा का सारा जो मतलब है ना वो नाम के अंदर छुपा हुआ होता है, आप नाम पे गौर करें ना सारी कहानी समझ आ जाती है। तो वेब हमें पता है क्या है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का जो जाल है वो ज़रा दिखने में ना मकड़ी के जाले की तरह लगता है, वेब मकड़ी के जाले को कहते हैं, तो उसको वेब इस नस्बत से कहना शुरू हो गया लोग। अच्छा वेब और साइट, साइट का मतलब होता है कोई जगह, जैसे कहते हैं ना मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा हूँ, है ना मूवीज़ में ड्रामे में सुनते हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट। तो वेब साइट का मतलब ये है कि उस पूरे जाल में कोई एक जगह, दैट इज़ कॉल्ड वेब साइट, के कोई एक लोकेशन है ना। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं वापस आता हूँ इस डायग्राम में, और मिसाल के तौर पे ये वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे जब अपने कंप्यूटर पे हम लिखते हैं ना google.com, तो ज़ाहिर है आप उस जाल का हिस्सा होते हैं ना, जब भी तो आप google.com लिख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को तो फिर नहीं लिख सकते आप। तो इमेजिन करें कि ये कंप्यूटर ना, ये आप हैं, ये वाला है ना। अच्छा और ये google.com ये इधर खड़ा हुआ है। अच्छा तो आपको पता तो नहीं चलता, लेकिन जब आप google.com लिखते हैं तो क्या होता है कि रिक्वेस्ट यहाँ से निकलती है और समहाउ या इधर आएगी, या ऐसे यूँ ऐसे होते हुए जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा होते हुए क्या होगी, वो यहाँ गूगल तक पहुँच जाएगी। अच्छा गूगल, ये जो गूगल है ना, ये जो है दिस इज़ अ वेबसाइट, तो उस वेबसाइट तक आपकी रिक्वेस्ट पहुँच जाती है। अच्छा वो वेबसाइट क्या करती है, वो जो लोकेशन है, वो जो कंप्यूटर है, वो जवाब में आपको देता है एक HTML का डॉक्यूमेंट, एक HTML का पेज, एक पम्फलेट, जो भी आप उसको नाम दे दें वो आपको देता है, और वो इसी तरह उसी रास्ते से वापस आते आते वापस आपके कंप्यूटर में आ जाती है और डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा तो हमने क्या समझ लिया अभी तक, हमने इंटरनेट समझ लिया, अच्छा हमने वेबसाइट समझ लिया, और हमने ये समझ लिया कि जी HTML का एक डॉक्यूमेंट होता है, HTML एक लैंग्वेज है, उससे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जो एक पम्फलेट की सूरत, एक वेबसाइट की सूरत होता है, और वो आपके आके आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले हो गया, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि HTML का एक अदद हेलो वर्ल्ड बनाना है। हेलो वर्ल्ड वो सॉफ्टवेयर होता है जो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप पहली दफ़ा सीखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं आप, तो वो हेलो वर्ल्ड कहलाता है। अच्छा तो जल्दी से आते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं। अच्छा हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले github.com पे जाता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई थी, क्या नाम था उस रिपॉजिटरी का, सेक्शन सी। अच्छा ये आ गई रिपॉजिटरी आपकी। अच्छा इसको मैंने क्लोन भी किया हुआ था अपने कंप्यूटर के अंदर, है ना। कहाँ पे क्लोन किया था, डेस्कटॉप के अंदर क्लोन किया था। अच्छा इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले से। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे कंप्यूटर में जो ये रिपॉजिटरी मौजूद है ना सेक्शन सी की, ये मौजूद है यहाँ पे, इसी रिपॉजिटरी के अंदर मैं चेंजेस करूँगा, और इसके अंदर अब जो टेक्स्ट फाइल मैंने पहले भेजी थी ना, अब इस टेक्स्ट फाइल की जगह क्या बना दूंगा मैं, HTML की एक फाइल बना दूंगा, है ना। अच्छा आओ करते हैं ज़रा, मैंने कहा VS कोड, अच्छा इस तरह नहीं करते, इसको खोलते हैं टर्मिनल में। डेस्कटॉप पे गया मैं, सेक्शन सी में गया, यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोला, ठीक है जी, और टर्मिनल खोल के मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, ठीक है यही तरीका आपको बताया था, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। अच्छा जी ये मेरे पास क्या खुल के आ गया, रिपॉजिटरी मेरी खुलकर आ गई, क्या पहचान है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फोल्डर का, तो इसका मतलब है ये फोल्डर खुला है। अच्छा आपने कोशिश करना है कि जिस तरह मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा है ना, उसी तरह आप ओपन करें, आप किसी और तरीके से ना करें, बावजूद इसके कि इसको ओपन करने के और भी तरीके हैं, फाइल में भी जाके कर सकते हैं, ओपन फोल्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल वही तरीका इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना।
अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये हेलो डॉट टेक्स्ट जो है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। सही है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ से मैं डिलीट करके जब पुश करूँगा ना, तो उधर से भी डिलीट हो जाएगा जहाँ पे मैंने पुश किया हुआ है। यहाँ पे एक मैं नई फाइल बनाता हूँ, इस नई फाइल का मैं नाम क्या रखता हूँ, इंडेक्स डॉट html। अच्छा, अब आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है इसका नाम इंडेक्स डॉट html होना चाहिए, और एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए। स्मॉल लेटर का i, स्मॉल लेटर का n, इसमें से आपने किसी भी चीज़ को स्मॉल कैपिटल किया तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मेरे रिज़ल्ट से डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह इंडेक्स ही नाम रखना है, डॉट लगाना है, फिर html नाम रखना है। ये पहली फाइल के लिए सिर्फ, जो पहली फाइल आप बनाएंगे, बाकी सेकंड फाइल जो आप बनाएंगे उसके लिए मसला नहीं है। तो html की ये पहली फाइल जो आपकी रिपॉजिटरी में बनने जा रही है, इसका नाम index.html होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, तो html की फाइल तो बन गई, अब इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए, जस्ट इतना काम करना है मैंने। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा एक्सक्लेमिनेशन मार्क। ये एक्सक्लेमिनेशन मार्क आपके कीबोर्ड के अंदर वन का जो बटन है उसके ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ वन दबाएंगे तो ये आ जाता है। जैसे ही मैंने एक्सक्लेमिनेशन मार्क दबाया तो मेरे पास क्या हो गया, नीचे एक सजेशन आ गई। ठीक है, इसके ऊपर मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं अगेन आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया, एक्सक्लेमिनेशन मार्क लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। ये जो सजेशन मेरे पास आई है, ये सजेशन मुझे किसने दी है, ये वी एस कोड के टेक्स्ट एडिटर ने मुझे दी है। अगर आप वी एस कोड के अलावा कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप नहीं करेंगे, मैंने मना किया आपको, आप यही वाला टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई दूसरा करेंगे तो डिफरेंट आएगी आपके पास सजेशन, ना हो सकता है ना आए। तो वी एस कोड ने मुझे ये सजेशन दी, अदरवाइज मुझे ये पूरा हाथ से लिखना पड़ता। अच्छा, हाथ से लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, आप पूरा हाथ से लिख लें एक ही बात है, लेकिन सजेशन मुझे दे रहा है तो मैं ये फैसिलिटी से फ़ायदा उठाऊंगा। अच्छा जी, ये तो पूरा मेरे पास एक ना बॉयलर प्लेट html का कोड लिखा हुआ गया। बॉयलर प्लेट कोड हम उस कोड को कहते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो इनिशियल कोड चाहिए होता है ना, उसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। ठीक है, बॉयलर प्लेट क्यों कहते हैं ये फिर कभी बताऊंगा मैं, अभी ज़रा हम इस पर फोकस करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, एक अदद HTML का डॉक्यूमेंट मेरे पास तैयार हो गया, बॉयलर प्लेट इनिशियल कोड तैयार हो गया। इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और सेव का बटन दबा दिया। अच्छा, जब मैं यहाँ लिखूंगा ना तो ये गोल सा एक यहाँ पे मार्क आ रहा होता है, इसका मतलब होता है ये फाइल सेव नहीं है। मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो वो गायब हो जाता है, इसका मतलब ये सेव हो गया। इसको सेव आपने ज़रूर करना है। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अब रन करना है, इसको अब क्या करना है, रन करना है। इंडेक्स डॉट html जो इधर लिखा हुआ है इसके ऊपर आके आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी पाथ। एक ये दूसरा वाला, ये नहीं ऊपर वाला कॉपी पाथ जो है, ठीक है, एक तो रिलेटिव है, ये नहीं रिलेटिव वाला नहीं। तो कॉपी पाथ के ऊपर आपने क्लिक किया और ब्राउज़र में आप जाएंगे गूगल क्रोम में, और यहाँ जाने के बाद पेस्ट करेंगे आप और एंटर कर देंगे। तो मेरे पास क्या चल गया, ये इस वक्त हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये आपका हेलो वर्ल्ड html का कंप्लीट हो गया। यहाँ तक एक ऐसी वेबसाइट आपने अभी तक बना ली है html के ऊपर जिसमें एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था बस। अच्छा, इतना समझ आ गया सब लोगों को, html का हेलो वर्ल्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जी, सवाल, सेव करने के बाद, अच्छा दोबारा पूरा बता देता हूँ, रिमूव किया इसको मैंने, रिमूव करने के बाद मैंने एक्सक्लेमिनेशन मार्क लिखा, एंटर दबाया, इससे ये कोड आ गया। उसके बाद मैं इधर आया, यहाँ पे आके मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और कंट्रोल एस करके सेव दबाया। ठीक है, सेव दबाया, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ किया और कॉपी पाथ करके उसको यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, इससे ये ओपन हो गया। सही है जी, सब लोगों को समझ आ गया ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन्हीं के साथ खड़े हो जाएं आप भी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हेलो वर्ल्ड तुम्हारा हो गया कंप्लीट। जैसा कि हमें पता है कि इसका नाम क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो html के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, html के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दैट आर मार्कअप्स। अच्छा, तो पहला मार्कअप हम अब पढ़ने जा रहे हैं, हम अब क्या करने जा रहे हैं, पहला मार्कअप। अच्छा, हेलो वर्ल्ड तो हमने लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड के नीचे मैंने
जैसे होता है ना मार्कर से क्या करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं, तो मैं क्या करने जाता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के नीचे अंडरलाइन लगी हुई आ जाए, ये मैं मार्कर से करता हूँ। अब ये मैं कंप्यूटर को समझा रहा हूँ तो मार्कअप लैंग्वेज के जरिए समझाऊंगा मैं क्या लिखता हूँ मैं जी। इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ब्रैकेट ओपन यू और एंगल ब्रैकेट क्लोज। सही है, तो देखिए ओपनिंग क्लोजिंग खुद इसने कर दी ऐसे। अच्छा, मैंने अपने हेलो वर्ल्ड को क्या कर दिया, मैंने अपने हेलो वर्ल्ड को रैप कर दिया एक HTML के मार्कअप के दरमियान में। ठीक है, मैंने कहा कि यू का टैग ओपन और यू का टैग क्लोज, उससे क्या होगा इस हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इसके नीचे एक लाइन लगी हुई आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखते हैं जी। अब आके यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, दोबारा से कॉपी पास्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस इस पेज को आके मैं क्या करूँगा यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट इसका नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो पहला मार्कअप आपने क्या सीख लिया, अंडरलाइन का मार्कअप, यू के टैग से अंडरलाइन का मार्कअप हो जाएगा। अच्छा, एक और कर लेते हैं जी, एक दूसरा मार्कअप भी सीख लेते हैं। एक दूसरा मार्कअप हम सीख लेते हैं जी बोल्ड का, चलें सीख लेते हैं। ठीक है, बी का मार्कअप अगर मैं रैप करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। आके देखते हैं जी, रिफ्रेश किया मैंने, एक और हेलो वर्ल्ड आ गया जो कि बोल्ड है। ठीक है, इसी तरीके से लाइन को चेंज करने का जो मार्कअप है वो बी आर है, जिससे क्या होगा हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर लाइन चेंज होगी, फिर ये वाला हेलो वर्ल्ड आएगा। आके देखते हैं जी, रिफ्रेश किया, आ गया रिजल्ट। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी चीज़ को मैंने हेडिंग डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, H1 का मार्कअप है उसके लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि भाई दिस इज हेडिंग। सही है ना, हमेशा हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, कोई और भी बात लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि जी दिस इज हेडिंग। तो जो भी मैं बात लिखूँगा इस मार्कअप के दरमियान, है ना, क्योंकि ये H1 का मार्कअप है, तो H1 का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी हेडिंग उसको ये बना देगा। अच्छा, HTML के अंदर 6 अलग अलग हेडिंग्स हैं। ठीक है, जिसमें H1 है सबसे पहली और सबसे बड़ी हेडिंग, उसके बाद है H2, ठीक है, उसके बाद है H3, उसके बाद है H4, H5 और एक H6 है उसके बाद। ठीक है, तो ये 6 हेडिंग मैंने यहाँ पे लाइन से लगा दी, 6 हेडिंग आ गई। तो हमने जी कितने मार्कअप सीख लिए, एक अंडरलाइन का, एक बोल्ड का और 6 मार्कअप हमने हेडिंग के सीख लिए। तो हमने टोटल 8 मार्कअप इस वक्त डिस्कवर कर लिए हैं HTML के। अच्छा, और भी एक चलो देख लेते हैं, पैराग्राफ देख लेते हैं, एक मार्कअप। ठीक है, एक पी है पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ हम कहीं से कुछ कॉपी शॉपी करके ले आते हैं। ठीक है जी, ये HTML की जो डेफिनेशन है इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और मैंने कहा जी ये पैराग्राफ के अंदर आ गया। ठीक है, हेडिंग, 6 हेडिंग लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ लगा दिया। तो जो मैंने पैराग्राफ के मार्कअप के अंदर जो बात लिखी है इस दरमियान में, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, है ना। अच्छा, देखते हैं जी क्या होता है यहाँ पे। ये हेडिंग आ गई सारी की सारी और ये उसके नीचे पैराग्राफ आ गया। इसको मैंने जूम इन बहुत ज़्यादा किया हुआ, ज़रा जूम पीछे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह हेडिंग के बाद पैराग्राफ के तौर पर दिख गया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जी HTML का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मार्कअप्स हैं। तो हमने अभी तक 9 मार्कअप टोटल डिस्कवर कर लिए। आसान था यहाँ तक, मुश्किल तो नहीं था? अच्छा, तो यहाँ पे आपकी जो HTML है ना वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अच्छा कंप्लीट कैसे हो गई कंप्लीट कैसे हो गई भाई, कंप्लीट ऐसे हो गई है कि मैंने आपको HTML का मार्कअप सिखा दिया, चलता कैसे है कोड वो सिखा दिया। अब जो बकाया जो चीज़ है ना आपके HTML के अंदर जो पढ़ने वाली, देखें अभी मैंने 8 मार्कअप आपको 9 मार्कअप सिखा दिए। अगर कोई ऐसी जगह मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पे HTML के तमाम मार्कअप की एक लिस्ट बनी हुई हो, तो HTML पूरा हो गया आपका, है ना। अच्छा, और ना सिर्फ लिस्ट बनी हुई हो बल्कि साथ में उसके ये भी लिखा हुआ हो कि ये मार्कअप को चलाया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, है ना। तो बस ये तो सेट हो गया, पूरा हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप HTML के अंदर क्या बना सकते हैं, एक अदद CV बना सकते हैं अपनी। तो आपका जो पहला असाइनमेंट है वो क्या है, आपने इस तरह से HTML के अंदर अपनी एक CV तैयार करनी है। हो जाएगा सब लोगों से? अच्छा, कौन से ऐसे मार्कअप अभी रह गए हैं जो CV में मुझे चाहिए होंगे और मैंने अभी तक बताए नहीं आपको? टेबल चाहिए होगा मुझे, मुझे इमेज चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो कहीं इंटरनेट के ऊपर जाके तलाश करते हैं कि कोई ऐसी लिस्ट मिल जाए मुझे जहाँ पे तमाम मार्कअप्स की एक लिस्ट बनी हुई हो
और वो ये भी बता रहा हो कि कौन सा मार्कअप चलता कैसे ना, पहले तो वो तलाश करते हैं और वहाँ से मैं आपके सामने इमेज वाला मार्कअप ज़रा लगा के ना इधर लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाए ना, अच्छा जी यहाँ से पढ़ा जा सकता है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला जाके कि जी लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स। अच्छा, जिस चीज़ को मैं इतनी देर से मार्कअप कह रहा हूँ ना, उसका एक और भी नाम है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। बुक्स वगैरह में आमतौर पे जो आपको नाम मिलेगा ना, वो एलिमेंट्स मिलेगा, जैसे आप कहेंगे ना H1 का एलिमेंट, ऐसे करके बोलते हैं ना। मार्कअप्स का वर्ड आपको कहीं पे भी शायद लिखा हुआ ना नज़र आए, हालांकि है तो ये मार्कअप ही, ऑब्वियस बात है, लेकिन इसका जो फॉर्मल नाम है वो एलिमेंट है। तो ये H1 का ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान में जो कॉन्टेंट है, ये पूरा मिला के इसको क्या कहते हैं, ये इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, सिर्फ अगर ओपनिंग टैग की बात करें तो इसको हम कहते हैं टैग, सिर्फ क्लोजिंग टैग की बात करें तो उसको हम कहते हैं टैग, और इसके दरमियान वाली सिर्फ चीज़ की बात करें उसको हम कहते हैं कॉन्टेंट है इसका ये, और तीनों को मिला के ये एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, कॉन्टेंट यानी इसके अंदर जो मवाद मौजूद है। वैसे इसका दरमियान वाली चीज़ का कोई ऐसा खास नाम है नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन इसको कॉन्टेंट कह सकते हैं आप। अच्छा, तो ये मार्कअप मैंने आपको बता दिया कि मार्कअप का जो फॉर्मल नाम है वो एलिमेंट है, तो इसी वजह से मैंने गूगल करते वक्त क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि भाई गूगल करने के लिए भी तो पता होना चाहिए ना लिखेंगे क्या गूगल पे, या चैट GPT से कोड लिखवाने के लिए भी पता होना चाहिए ना कि कोड लिखवाना क्या है। अगर यही नहीं पता होगा कि सर्च क्या करना है, या यही नहीं पता होगा कि कोड लिखवाना क्या है ChatGPT से, तो ChatGPT को खुद से थोड़ी पता लगेगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गूगल करना क्या है। तो मैंने लिखा कि लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स, तो सबसे पहला आपके पास लिंक आ गया है W3 स्कूल का, इसके अंदर मैं क्लिक करके एंटर करता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में एक जगह लिखा हुआ होगा इन्होंने रेफरेंस, ये रेफरेंस लिखा हुआ है इसने, HTML टैग रेफरेंस। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। अच्छा जी, वेल डन, ज़बरदस्त, खुल गई ये लिस्ट हमारे पास। अब आप ये देख रहे हैं, एड्रेस, एरिया, ऑडियो, बी, अच्छा देखो बी ये वो वाला है ना जो हमने अभी इस्तेमाल किया था, बोल्ड का टैग है ना। अच्छा, किसी भी टैग के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने ये क्लिक कर दिया, तो मुझे ये कहाँ पे ले गया, ये मुझे इसको चलाना बता रहा है, देखिए ना ऐसे ये पूरा लिख के बताया गया, इस तरह से ये चलता है, ये मुझे इसने यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये बाकायदा पूरा ये देखें, इधर कोड लिखा हुआ है और इस तरफ उसका रिजल्ट आ रहा है। आप देखें, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे आप देखें इसको, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट को इसमें बी के मार्कअप में रैप किया हुआ है। अच्छा, तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास एक क्या आ चुका है इस वक्त, हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर तमाम मार्कअप्स, HTML के अंदर जितने भी पॉसिबल मार्कअप्स हैं उन तमाम की लिस्ट है ये। अब देखें, एक लंबी लिस्ट है ये, राइट, एक लंबी लिस्ट है। अब HTML के अंदर यही है, इसके आगे और ना पीछे कुछ भी नहीं है, है ना। अगर ये सारे मार्कअप आपने एक्सप्लोर कर लिए तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी HTML आपने एक्सप्लोर कर ली। अच्छा, सबसे पहले हम अपने CV में क्या लगाना चाहते हैं, एक अदद इमेज, तो ज़रा कंट्रोल F करते हैं और इमेज लिख के सर्च करते हैं। ठीक है जी, IMG का मेरे पास ये टैग आ चुका है, एंड दिस टैग डिफाइंस एन इमेज। ठीक है, तो इस टैग में, इस एलिमेंट के अंदर मैं क्लिक करके चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे देखें, इसने कोड लिख कर दे दिया है, यहाँ पे मुझे इसने कोड ये लिख कर दे दिया है। अच्छा, तो क्या है कोड, ये IMG लिखा हुआ है इसने, और SRC करके फ़ोटो का नाम है, और उसके बाद ALT करके क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट है। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है कि अगर किसी वजह से पिक्चर लोड नहीं हो पाई तो अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आ जाता है। अच्छा, ये इन्होंने नीचे मैंशन किया हुआ है, ये ALT जो है ना, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर नीचे इन्होंने पूरा मैंशन किया हुआ है। ठीक है, आप देखें ये ना, ALT स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, के अल्टरनेटिवली आपको वो टेक्स्ट दिख जाता है अगर इमेज किसी वजह से नहीं नजर आ पाती है तो। सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, तो अब आते हैं वापस ऊपर हम। अच्छा देखिए ना, इमेज की हाइट और विड्थ भी यहाँ पे बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं, ठीक है जी, और विड्थ बता सकते हैं। ठीक है जी, SRC करके मुझे क्या देना होगा, URL देना होगा, स्पेसिफाइड अ पाथ टू द इमेज। तो सारी चीज़ें यहाँ के ऊपर उन्होंने सब कुछ मैंशन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा, आते हैं जी, इस पूरे के पूरे कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक CV बल्कि छोटी मोटी हम स्टार्ट भी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यार
रिज्यूमे, सही है, H1 लगा के मैंने एक रिज्यूमे की हेडिंग लगा दी, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक फ़ोटो में लगा देता हूँ, IMG का टैग है, SRC करके इसमें एट्रीब्यूट एक पास किया गया है जिसमें इमेज का नाम मैंने लगाना है। अच्छा, इमेज का नाम इन्होंने तो अपना नाम लगाया, लेकिन मैं तो, मुझे तो पता है ना मैंने कौन सा नाम लगाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज ऐसी पड़ी हुई है ना, तो उसको मैं ला के इधर लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसको यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा, अपनी इमेज को कॉपी करके पहले इस इंडेक्स फाइल के वाले फोल्डर में ला के रखना होगा, है ना। अच्छा, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि अभी तो नज़र आ जाएगी, अगर मैंने डी ड्राइव में पड़ी हुई फ़ोटो है ना कोई, यहाँ अटैच कर दी अगर, तो अभी तो नज़र आ जाएगी, लेकिन जब मैं गिटहब में पुश कर दूंगा तो वो इमेज वहाँ जाएगी नहीं। अच्छा, लिहाजा मैं किसी दूसरे डेवलपर से जब कोलैबोरेट करूँगा ना, कोलैबोरेशन होगी मेरी, तो वो जब मेरे कोड को क्लोन करेगा उसके पास वो इमेज पहुँचेगी नहीं, तो ये तो मसला हो जाएगा ना। तो मेरे वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी इमेजेस, जो भी बटन्स वगैरह XYZ, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे इसी फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है, एसेट्स जो है मेरे सारे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ जी मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में, ठीक है, डाउनलोड के फोल्डर में ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। अच्छा, आइडियली मुझे यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, एक IMG का फोल्डर बनाना चाहिए, और ये इमेज उसके अंदर होनी चाहिए ना, क्योंकि इमेज एक तो नहीं होगी ना, बहुत सारी होगी, वो पूरा कचरा ना हो जाए, तो इसलिए एक फोल्डर के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा जी, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने IMG के फोल्डर में उस इमेज को लाके स्टोर कर दिया सबसे पहले तो। अच्छा, अब अगला काम क्या है मेरा, ये जो इमेज है ना SRC जो है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ./, तो फौरन क्या आ गया, सजेशन आ गया। ये सजेशन मुझे कौन दे रहा है, VS कोड का एडिटर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ./ पे एक आया जी IMG, मैंने एंटर किया, IMG के अंदर download.jpg ये आ गया, एंटर कर दिया, ठीक है। ये हाथ से भी लिख सकते थे आप, लेकिन इन्होंने सजेशन दिए तो आप उसको अवेल करेंगे, है ना। सजेशन में ये होता है कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होने का चांस ज़रा कम हो जाता है, तो ये मैंने SRC में ये लगा दिया। अच्छा, अल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा कि जी दिस इज़ माई प्रोफाइल पिक्चर, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर विड्थ और हाइट इसके अंदर बताई हुई है इन्होंने, मैंने कहा जी विड्थ आपको दिखानी है 200 पिक्सल, ठीक है, और हाइट आपने दिखानी है 200 पिक्सल, ठीक है। विर्थ हाइट भी बता दी मैंने कि कितने पिक्सल स्क्रीन पे दिखेगी। अच्छा, ये मैंने शायद क्लोज कर दिया गलती से, मैं दोबारा इसका कॉपी पाथ करता हूँ और इसको यहाँ पे लाके मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह की अभी मेरी वेबसाइट नज़र आने लग गई, मैंने ऊपर रिज्यूमे की हेडिंग डाली है, उसके बाद एक इमेज लगाया, उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड वगैरह जो मैं प्रिंट कर रहा था ये वो है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, एक अदद टेबल चाहिए, है ना, टेबल नहीं बल्कि पहले तो वो लिखते हैं ना ये लोग, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऐसे। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो अक्सर क्या होता है, क्योंकि CV तो हम बनवाते हैं दुकान से ना तो जो दुकान वाले को ऑब्जेक्टिव होता है वही सब लोगों को ऑब्जेक्टिव होता है तो भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव आप क्या करें, आप अपना सोच के ख़ुद से लिखें। मतलब जब मेरे पास आप असाइनमेंट बनाकर लाएंगे ना, असाइनमेंट दे दिया ना मैंने आपको कि CV की वेबसाइट बनानी है, तो उसके ऑब्जेक्टिव में आप ये लिखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। यार अब ये पैटर्न की बात नहीं है, जैसे आपका दिल करे वैसे बनाएं। असल में तो बात ये कि HTML की प्रैक्टिस करनी है ना, CV तो मैंने वैसे ही आपको कह दिया। अच्छा, और CV देखो यार, समझने की बात है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर आप सब लोग डेवलपर बनने जा रहे हैं ना माशाल्लाह, आपकी CV पेपर पे हो ना तो अच्छी बात नहीं होती, है ना। अच्छा, किसी ने इंग्लिश में MA किया तो वो पेपर पे बनाएगा जी, उसने तो इंग्लिश में MA किया, या वो कोई बुक की शक्ल कोई देगा शायद मे भी, लेकिन आप तो कंप्यूटर साइंस के अब फील्ड में आ चुके हैं ना, सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ चुके हैं, तो आपकी जो CV है वो एक्चुअली क्या होनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। तो एक वेबसाइट की सूरत में अगर आप अपनी CV बनाए ना, तो उसका एक इम्प्रेशन होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि क्योंकि ये चैटबॉट का कोर्स है, तो अल्टीमेटली एक चैटबॉट होगा, वो होगा आपका रिज्यूमे, है ना। जैसे आपका क्या नाम है सर, हुसैन। अच्छा, तो एक चैटबॉट हुसैन बनाएंगे, और जब ये कहीं जाएंगे ना इंटरव्यू, जब कहेंगे यार ये चैटबॉट है, ये मेरा रिज्यूमे है, आप इससे पूछें, बताएगा ये,
तो बंदा बोले हाय, सामने से जवाब दे, हेलो आई एम हुसैन, हाउ आर यू डूइंग, यू कैन आस्क मी अबाउट माई एजुकेशन, अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंसेस और माई एजुकेशन, या जो भी दो दो चार बातें होती हैं वो आप लिख देंगे कि यार ये बात आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बंदा जी एम्प्लॉयर आप पूछेगा उस चैटबॉट से कि जी टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, वो जवाब देगा कि अच्छा जी मैंने जो है ना फ़लाँ जगह से मैट्रिक किया था फ़लाँ सन में, मेरे बड़े अच्छे ग्रेड बने थे वहाँ, फिर उसके बाद मैंने फ़लाँ कॉलेज में कर लिया, फिर वहाँ पर मैंने ये पढ़ाई की, इस तरह वो दो तीन लाइन का जवाब देगा। मेरे अच्छा जी आप ये बताएं कि आपने फिर कहीं जॉब भी की हुई है, तो कहेगा हाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ फ़लाँ जगह कर रहा हूँ, इस तरह। तो आपका रिज्यूमे क्या होगा, एक चैट बॉट होना चाहिए ना असल में तो, लेकिन अभी तक हमने वो सीखा नहीं है, अभी जो सीखा है उसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो लगे हाथों क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी HTML की और आपका एक रिज्यूमे भी तैयार हो जाएगा वेबसाइट की सूरत में। पेपर पे तो आप सब लोगों ने बनाया हुआ होगा, तो वो उसको वेबसाइट पे आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव करके मैंने क्या कहा, एक पैराग्राफ होगा ना, ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है। तो ये मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लाके लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने कर दिया कि जी एकेडमिक्स या एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को भी मुझे किस में रैप करना है, अच्छा इसको ना एक्चुअली मैं H1 में नहीं रैप करूँगा, इसको तो H2 में करूँगा ना, H2 में करूँगा, अभी इसको H2 में करते हैं, है ना। ये रिज्यूमे तो H1 है, सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव और ये एजुकेशन, ये तो छोटी होनी चाहिए ना थोड़ी सी, तो इसको 2 कर देंगे हम। आ जाते हैं जी, 2 करते हैं। ठीक है, ज़रा बेहतर हो गया अभी। अच्छा, नीचे वाली ये हेडिंग वगैरह इसको उड़ा देते हैं, ये तो हमने सीख लिया ना, इसको इन सब को उड़ा देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एजुकेशन के नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया कि जी कुछ मेरे एजुकेशन के बारे में। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एजुकेशन के नीचे, एजुकेशन के अगेंस्ट वैसे टेबल बनाते हैं आमतौर पे ना, टेबल बनाते हैं ना, हाँ टेबल बना लेते हैं। चलो एक टेबल, टेबल का मैंने टैग ओपन किया और क्लोज किया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लिखे हैं ये तो पता ही नहीं है, आ जाते हैं इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल F करता हूँ, टेबल एंटर, तो ये जी टेबल आ गई, डिफाइंस अ टेबल। मैं क्या करता हूँ, टेबल पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे देखो टेबल इसने बता दिया कि जी इस तरह बनती है टेबल। ठीक है, ये टेबल के बारे में जो जो बातें थी नीचे सारी इसने बता दी मुझे। अच्छा, तो सबसे पहला वाला जो है ना ट्राई इट योर सेल्फ का बटन मैंने दबाया, तो इन्होंने कहा कि जी आप ना ये टेबल का कोड लिखोगे ना इस तरह करके आप, तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको कॉपी करके पहले तो मैं उधर ले जाता हूँ ना, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि है क्या। ये मैंने क्या कर दिया, टेबल का कोड पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, अच्छा टेबल का कोड लिखते ही क्या होगा, मेरे पास एक टेबल अपेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टेबल अपेयर हो गई। अच्छा, इसमें बॉर्डर लेकिन नहीं आ रहा है ना, इस टेबल में बॉर्डर नहीं आ रहा, ये टेबल बगैर बॉर्डर के बन गई। अच्छा, बॉर्डर के लिए इन्होंने क्या लगाया था, बॉर्डर के लिए ना यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर, यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा। तो इतनी सारी एग्जांपल दी है इन्होंने वायर। अच्छा, ये इस तरह भी बॉर्डर लग जाता है ये, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे CSS में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है HTML के टेबल का ट्यूटोरियल है कोई, इस पे चल के देखते हैं, यहाँ पे शायद बॉर्डर का बताया हुआ। एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर के नाम से ना, वो लगाते हैं तो उससे बॉर्डर बन के डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा जी, ये अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है वेल, लेकिन मैं चलो वैसे ही लगा देता हूँ, ठीक है ना, बॉर्डर। और मैं इसमें लिख दूंगा 1, तो 1 का मतलब है कि 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल पूरा भी लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बॉर्डर बन के डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये बॉर्डर बन के क्या हो गया मेरे पास, डिस्प्ले हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे आप टेबल पे बॉर्डर कैसे लगेगा ना वो पता नहीं लग रहा है, तो इस तरह की इंटरनेट के ऊपर और भी लिस्ट मौजूद है, मैं आपको एक और लिस्ट भी दिखा देता हूँ। अच्छा, दोबारा लिखता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स। तो एक तो ये W3 स्कूल आ रहा था, इसके नीचे ये मोज़िला डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, इसमें भी पूरी लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे टेबल में चल के देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। टेबल लिखा मैंने जी,
ये इन्होंने टेबल का बनाया हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, क्लिक करते ही मैं अंदर गया, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इन्होंने बताए हुए होंगे है ना, एक अलाइन कर सकते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर बीजी कलर करके दे सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर करके दे सकते हैं, ठीक है, इंटीजर एट्रीब्यूट ये बॉर्डर करके उसको मैं जितने भी दूंगा ना वो उसको जो है वो क्या कर देगा, बॉर्डर करके बता देगा। वेल तो मैंने आपको एक दूसरी लिस्ट भी दिखा दी, अगर एक लिस्ट के अंदर आपको कोई इश्यूज हैं तो यहाँ पे आप देखें ये दिस इज़ ऑल्सो अ लंबी लिस्ट, इसमें HTML के तमाम एलिमेंट्स का जिक्र है, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ वापस, और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमारे एजुकेशन की टेबल हमने बनानी है, राइट। अच्छा तो अभी इसमें क्या लिखा हुआ है कि जी मंथ और सेविंग्स, अच्छा यहाँ मैंने क्या लिखना है, नेम ऑफ डिग्री मे बी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ग्रेड और ईयर, है ना। तो मंथ और सेविंग को मैंने हटा के ये चीज़ें लिख देनी है। तो ये मंथ को हटा के मैंने लिख दिया नेम ऑफ डिग्री, सही है, नेम ऑफ डिग्री हो गया। अच्छा और क्या लिख दें इसमें, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, अच्छा मुझे इसमें दो ही था, हमें और भी चाहिए, आ जाते हैं तीसरा लिख देते हैं हम, तीसरे में क्या लिख दिया जाए, ग्रेड और ईयर, सही है जी, ईयर ऑफ कंप्लीशन। और भी कुछ लिखते हैं क्या इसके अंदर, चलो ये चार बातें मैंने लिख दी इसमें। तो अब कैसा दिखने लग जाएगा मुझे, ये कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा, राइट, है ना, कुछ इस तरह का मुझे दिखने लग जाएगा अभी। अच्छा अच्छा मैं नज़र आने का कोई बंदोबस्त कर देता हूँ, मैं इसके नीचे क्या करता हूँ कुछ BR लगा देता हूँ, स्क्रीन ऑन कर दिया होगा पीछे, नहीं असल में नीचे प्रोजेक्टर में ना नीचे हो गया वो। अच्छा अब ये नज़र आ रहा होगा, है ना, आ रहा है नज़र, अब मैंने नीचे बहुत सारा ब्लैंक स्पेस इसमें दे दिया ना ताकि मैं उसको स्क्रॉल अप कर सकूँ। अच्छा तो मैंने एजुकेशन के साथ एक पैराग्राफ भी लिख दिया, अपने एजुकेशन के बारे में मैंने कुछ शायद बात लिखी है, और उसके बाद मैंने एक टेबल यहाँ पे बना दी, एक चार्ट बना दिया जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी एजुकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेम ऑफ, तो ये सबसे पहले तो इसका क्या हो गया, हेडिंग यहाँ पे तैयार हो गई ना, टेबल की मेरी हेडिंग लग गई, नीचे मैंने वैल्यूज़ लिखनी है, तो मैं नेम ऑफ डिग्री लिख देता हूँ, साथ में इंस्टीट्यूट का नाम, ग्रेड वगैरह लिख देता हूँ। अच्छा तो अब आप नोट करें, अब आप नोट करें कि ये क्या चक्कर है इसका, टेबल का टैग ओपन होता है और टेबल का टैग क्लोज होता है। अच्छा टेबल की पहली रो TR यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, ठीक है, तो टेबल की पहली रो, टेबल की दूसरी रो और टेबल की तीसरी रो है। पहली रो के अंदर कितने रो होता है, जो यानी लेफ्ट टू राइट जो हम कहते हैं ना वो रो होता है, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है ना, एक रो होता है, कॉलम होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली जो चीज़ होती है ना उसको हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकली चल रही होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये रो है एक्चुअली, HTML के अंदर कॉलम नहीं बनाते हैं, अब आप रो बनाते हैं, उससे दोनों बन जाता है। तो पहली रो के अंदर यानी लेफ्ट टू राइट जो पहली रो चल रही है हमारी, उसमें सबसे पहले नेम ऑफ डिग्री है, तो एक्चुअली वो क्या होता है, एक नेम ऑफ डिग्री, उसके बाद फिर वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और फिर ग्रेड, इस तरह। तो ये पहली रो हमने अभी तैयार कर ली है, पहली रो हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हमने सेकंड रो के ऊपर काम करना है। नंबर ऑफ नेम ऑफ डिग्री क्या है जी, मिसाल के तौर पर SSC, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ABC इंस्टीट्यूट, ठीक है, और मुझे एक और चीज़ चाहिए इसमें, ग्रेड, तो मैंने कहा जी ग्रेड जो है मेरा A है, ग्रेड A, अच्छा जी, और ईयर ऑफ कंप्लीशन मे बी 2020, ठीक है 2020 हो गया। आगे देखते हैं जी क्या रिपोर्ट है, हाँ जी सही बनना शुरू हो गया, अब टेबल सही तैयार हो गई। अच्छा सेकंड वाले को भी इसी तरह बना लेते हैं, सेकंड वाले को बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ इसमें कि जी ABC इंस्टीट्यूट से ही जो है इन्होंने क्या किया है, FSC भी कर लिया है, ठीक है जी, और इनका ग्रेड जो है वो अगेन A आ गया है, और इन्होंने जो है वो ये FSC किया है 2022 में, ठीक है जी, एजुकेशन की ये पूरी लिस्ट तैयार हो गई। और कौन सा मार्कअप होता है जो हमें चाहिए होता है CV बनाने के लिए, वर्क एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है। अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी एक्चुअली इसी तरह की एक टेबल होगी, है ना, वर्क एक्सपीरियंस भी,
अच्छा पैराग्राफ होता है, चलो पैराग्राफ कर लेते हैं। मैंने इसी वाले को कॉपी किया, टेबल के नीचे लेकर गया, और मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस EXPERIAIENCE अच्छा मैं इसके लिए मेरा ज़बरदस्त जुगाड़ होता है, मैं जाता हूँ गूगल पे, इसको ऐसे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। अरे ये तो स्पेलिंग सही है, अरे यहाँ भी सही हो गई, क्या बात है, वाह, अभी गलत थी अभी सही हो गई। ये मैंने एक्सटेंशन बाय द वे अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है ना, जिससे ये मुझे बता देता है कि एक्सपीरियंस की अगर स्पेलिंग ठीक ना हो तो। अच्छा जी, तो वर्क एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, आगे देखते हैं जी क्या रिपोर्ट है। वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया नीचे, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं शायद बायोडेटा, क्या ना जी आपका नाम क्या है और आपका वो सारी चीज़ें, अच्छा उसको मुझे किस में लिखना होता है, उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है। तो बुलेट पॉइंट भी हमने नहीं सीखा अभी तक, आके सीख लेते हैं। बुलेट पॉइंट लगाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं लिस्ट, है ना, असल में उसको लिस्ट कहते हैं। तो कंट्रोल एफ करके मैं लिस्ट करता हूँ तो मुझे जो है क्या मिल जाता है, UL करके एक टैग इसमें मिल जाता है। UL ही लिख के सर्च कर लेता हूँ मैं एक्चुअली। यहाँ साइड पे भी वैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक कर लिया मैंने UL टैग। अच्छा तो इन्होंने कहा कि जी आप इसको ना इस तरह लगाएंगे, UL ओपन और UL क्लोज ऐसे करके, और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसा करके लिखने से, ऐसा कोड लिखने से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें ये टी, कॉफ़ी और मिल्क ये तीनों आ गए, ठीक है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा अब आपको अगर ये बात पता नहीं चल रही है, अगर आपको ये बात पता नहीं चल रही है कि अब HTML के अंदर, HTML के अंदर अगर आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं तो उसके लिए कोई मार्कअप है या नहीं है, अगर मार्कअप है तो किस नाम से, है ना। ये तो अब मुझे तो पता था ना कि लिस्ट के लिए UL होता है, आपको तो नहीं पता, अब इसका कैसे पता लगाएंगे, ChatGPT से, है ना। आप आके क्या करेंगे इधर, अच्छा ChatGPT पे गया मैं, देखो पता होना चाहिए ना कि सर्च करना तो क्या करना है। अच्छा तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा इसको कि भाई विच मार्कअप या विच एलिमेंट इज यूज टू मेक बुलेट पॉइंट्स इन HTML, एंटर, ठीक है। इसने मुझे क्या बता दिया कि इन HTML बुलेट पॉइंट्स आर टिपिकली क्रिएटेड विद UL, और यहाँ देखो कोड भी लिख के दे दिया, कोड तो लिख रहा है ChatGPT, कोड तो लिख रहा है, लेकिन यार ये कोड तो जब लिखेगा ना, जब मुझे ये कोड तो जब लिखेगा जब मुझे पता होगा कि एलिमेंट, ये तो नहीं पता था आपको एलिमेंट आज से पहले, है ना, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, आई एम नॉट श्योर कि अच्छा बुलेट पॉइंट्स आपने बनाने हैं और HTML में बनाना है, इतनी बात आपको पता थी तो आपने ये सर्च किया ना, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते थे। तो आपने आके जैसे ही सर्च किया, इसने आपको बता दिया कि जी UL से होता है, अब आप क्या करेंगे, ये UL जाके सर्च कर लेंगे, है ना। अच्छा इसी तरीके से मैं बोलूँ कि व्हाट अबाउट टेबल, ठीक है ना, टेबल के बारे में बता दो, अब यही सेम बात, मैं कितना चला गया उसको पता लग गया कि टेबल का भी मैं कोड मांग रहा हूँ, देखो टेबल का भी बता दिया इसने, इसने क्या लिखा, टू क्रिएट टेबल इन HTML वी यूज टेबल TR और TH एलिमेंट्स, कि जी पहले टेबल है उसके अंदर टेबल की रो बनेगी, उसके अंदर टेबल डेटा बनेगा, ऐसे पूरा बता दिया, और इसने ये पूरा लिख के भी बता दिया, वो है ना, पूरा लिख के बता दिया, उसने कहा यार ये जब चलाओगे ना आप तो इस तरह करके आ जाएगा सामने आपके, समझ आ रहा है ना सब। तो हमने इस पॉइंट पे अपनी HTML को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कुछ पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जी इंटरनेट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा वेबसाइट क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि HTML का डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक हेलो वर्ल्ड HTML हमने बना भी लिया अपने हाथ से, और
जितने भी एक हमने एक लिस्ट देख ली उसमें तमाम HTML मार्कअप की लिस्ट भी हमें पता लग गई, और उस HTML के मार्कअप की लिस्ट को अब आपको ये नहीं पता कि बुलेट पॉइंट कौन से मार्कअप से बनेगा, तो आप यहाँ से आगे पता लगाएंगे, वहाँ से देखेंगे और बना लेंगे। अब आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि एक वेबसाइट छोटी मोटी आप अपने हाथ से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना असाइनमेंट आप बना कर लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ये जो वेबसाइट अभी हमने बनाई है इसको इंटरनेट पे कैसे होस्ट करना है, कैसे लाइव करना है इंटरनेट पे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, तो उससे होगा क्या फिर, उससे होगा ये कि एक वेबसाइट ऐसी बन जाएगी जो आपने बनाई होगी खुद और वो इंटरनेट के ऊपर लाइव होगी, उसका एक URL होगा, वो पूरी दुनिया में आप किसी को भी भेजेंगे, और अगर उस बंदे के पास इंटरनेट मौजूद है वो URL लिखेगा, आपकी वेबसाइट खुलेगी। जैसे google.com लिखने से गूगल खुलता है, जैसे facebook.com लिखने से फेसबुक खुलता है, तो आप अपना जो URL वो लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, है ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में ही सिखाऊंगा जब आप इतना काम आप घर से करके लाएंगे। अच्छा, करके क्या लाएंगे, वो तो सारा मैंने करवा दिया है ना, तो अब आप देखते हैं अब एक्स्ट्रा माइल कौन जाता है। मेरी क्लास में हमेशा जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको HTML आती होगी, जिनको CSS भी आती होगी, जिन्होंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स कहीं ना कहीं से किया हुआ होगा, है ना। तो अगर वो इससे आगे जाना चाहते हैं तो आई अप्रिशिएट कि वो आगे जाएं, है ना। तो आप जब अपना असाइनमेंट यहाँ पर बनाकर शो करेंगे मुझे, तो उसके अंदर आपकी जितनी भी स्किल्स आपके पास हैं, प्लीज़ आप अपनी तमाम स्किल्स को उस असाइनमेंट के अंदर शो ऑफ करेंगे, राइट। आप बताएंगे कि आपको क्या क्या आता है ना, और आप अपने आप मुंह से नहीं बताएंगे, आपका काम बोलेगा। आप जो असाइनमेंट बनाएंगे उसके अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ आती है जो इससे ज़्यादा एडवांस है तो आपके असाइनमेंट में वो नज़र आना चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं करना है कि कोई एडवांस चीज़ बनाने के चक्कर में डेट मिस कर जाओ असाइनमेंट की, बना ज़रूर लेना, जितना बार बोला है ना इतना ज़रूर बना लेना, ठीक है ना। तो मेरे क्लास के अंदर हमेशा जो असाइनमेंट होता है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ और मैक्सिमम कितना करना है वो आप डिसाइड करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताई है कि एक पेज की एक वेबसाइट index.html के नाम से फाइल, एक पेज की एक वेबसाइट, CV हो तो अच्छा है, CV के अलावा भी कुछ बना लो तो मसला नहीं है, ठीक हो गया। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया आपको, अब मैक्सिमम कहाँ तक आप जाएंगे ये आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये वेबसाइट में क्या बना रहा था मैं, बायोडाटा। तो मैंने कहा कि जी नेम मलिक, सही है, और जी क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट साइंस, ठीक है जी, और मैंने कहा कि जी कॉन्टैक्ट नंबर, सही है, एक जेनेरिक नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, इस तरह से और भी दो चार बातें यहाँ पे मैंने लिख दी। तो ये मेरा क्या तैयार हो गया बनके, यहाँ पे बायोडाटा बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह की एक वेबसाइट बन जाएगी आप लोगों से ना, कोई मसला तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है, जी दोस्त। ये आपकी जो पिक्चर लगाया है, हाँ, बायोडाटा उसकी सारी साइट पे आएगी। अच्छा, ये काम ना CSS के जरिए होता है, वो कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, सही है। हमने कल आपको मैं होस्ट करना बताऊँगा, होस्ट करना 5 मिनट का काम है, होस्ट करना 5 मिनट का काम है, ठीक है ना। तो वो बता के फिर आपको मैं CSS पढ़ाऊंगा कल। कल इसी तरह एक क्लास में हम पूरी CSS को कवर करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास जो होगी सैटरडे को हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो चलो जी मैंने बता दिया, अब एक हफ्ते की छुट्टी है आपके पास। अब आप में से जो लड़का चालाक होगा और तेज लड़का होगा वो क्या करेगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आएगा एक हफ्ते के बाद, तो ना सिर्फ वो ये वेबसाइट बना के लाएगा बल्कि उसको होस्ट भी करके लाएगा, है ना। अच्छा, कैसे करेगा होस्ट, भाई ChatGPT से पूछो ना, पूछो उससे ChatGPT से। अगर ChatGPT से पूछ के आप एक वेबसाइट होस्ट कर लेते हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो ना यार, है ना। इसी जैसे हाथ से कपड़े सिलाई करता था कोई बंदा, मशीन से सिलाई कर रहा है वो, है ना। तो आप मुझसे पूछ पूछ के कोडिंग करते हो ना, आप ChatGPT से पूछ के करो, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, तो जो भी लड़का नेक्स्ट क्लास में ये वेबसाइट ना सिर्फ बना के लाएगा बल्कि होस्ट करके भी लाएगा, तो उसकी मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग करूँगा उसकी, है ना, मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा, सही है ना, मार्केटिंग करनी है ना।
आप सब लोगों ने खुद भी अपनी मार्केटिंग करनी है, मैं भी आपकी मार्केटिंग करूँगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा माइल जाएगा उसकी मार्केटिंग करनी मेरी जिम्मेदारी है ना, हर किसी की नहीं करूँगा, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ उस बंदे की। अच्छा जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी जो आपके बचा हुआ टाइम है, आप क्या करेंगे, यही वाला असाइनमेंट अभी बनाना शुरू। अच्छा, एक लास्ट काम तो मैंने किया नहीं है। लास्ट काम मैंने ये नहीं किया कि मैंने जो index.html की फाइल बनाई है ना, इसको मैंने कहाँ पे पुश करना है, github.com पे वापस पुश करना है। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा। मैं टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं जाऊँगा VS कोड में, देखो यहाँ टर्मिनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा न्यू टर्मिनल। ये टर्मिनल यहाँ पे खुलकर आ गया मेरे सामने, ठीक है। अच्छा, ये वही टर्मिनल है जो मैं अलग से खोलता था, ये मुझे फैसिलिटी दी हुई है VS कोड ने कि यहाँ पे खोल लो, तो मैंने यहाँ खोल लिया, एक ही बात है। यहाँ पे आके मैंने तीनों कमांड लिखनी है, गेट एड डॉट गेट कमिट माइनस एम और मेरा एक मैसेज कि जी माई CV एंटर और गेट पुश। अब ये कमांड आपने रोज़ लिखनी है इंशाल्लाह, है ना। अच्छा, जैसे ही मैंने देखा ये तीनों कमांड चलाई, ये कहाँ पहुँच गया जाके, ये मेरे GitHub की रिपोजिटरी में जाके उधर पहुंच गया। ये आता हूं जी मैं अपनी रिपोजिटरी में, देखता हूं कि ये कोड पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक है जी, ये देखें ये दोनों फाइलें यहां पर आ गई। अच्छा, तो असाइनमेंट की सबमिशन आपने इस तरह करनी है, आपने ये वेबसाइट बना के USB में नहीं लेकर आएगा कोई भी, github.com पे पुश करेंगे और उसका URL आप मुझे दिखाएंगे कि जी सर ये मैंने बना ली है वेबसाइट, ये मेरे GitHub की रिपोजिटरी में मौजूद है। अच्छा, आज के बाद जितने भी आप असाइनमेंट बनाएंगे, हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपोजिटरी आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। पुरानी रिपोजिटरी में कुछ नहीं करना है, वो हो गई बस। हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपोजिटरी आप बनाएंगे। हाँ चलो खैर, हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपोजिटरी आपने बनानी है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपकी रिपोजिटरी का नाम क्या होगा, मे बी के माई CV, इसके नाम से आप बनाएंगे। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने भी असाइनमेंट बनाया और GitHub में पुश नहीं किया, उसका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैं खड़ा कर दूंगा क्लास में, ठीक है ना। सब लोगों को समझ आ गया ये? Yes, sir. अच्छा चलो, अब शुरू हो जाओ सारे, ये बना अभी से बनाना शुरू कर दो।